बारातुकी तो जनकपुर की कन्याएं आ गई और कन्याओं ने राम जी के सामने प्रस्ताव रख दिया, सुनो जी हमारा विवाह होगा और विवाह होगा ना तो हमें इतना ही सुंदर दूल्हा मिलना चाहिए जितने सुंदर आप हो। कैसे बताओ, सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ, सुंदर सुंदर दूल्हा मिलेंगे, पर सुंदर सुंदर नहीं चाहिए हमको तो आपके जैसे ही सुंदर चाहिए। देखो जी तो कन्याएं हैं, तुम भी कैसे मेरे जैसा तो नहीं हूँ, महाराज आपके जैसा संसार में कोई नहीं है। राम जी ने कहा नहीं मेरे जैसा तो कपूर्ति जैसा तो ही हूँ, दूसरा कौन होगा इतनी जैसे, तो फिर आप ही मिल जाओ। राम जी ने कहा ये भी संभव नहीं, क्योंकि इस अवतार में तो मुझे पत्नी व्रत का पालन करना है, लोग मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम जो है कहते हैं, इस अवतार में तो कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन अगले अवतार में शरद पूर्णिमा की रात्रि को आप मुझे अवश्य पति के रूप में प्राप्त कर लोगी। तो वही सब जनकपुर की कन्याएं गोप कन्याएं बनी और इन्होंने गोविंद की प्राप्ति के लिए माँ कात्यायनी की आराधना की और आज भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया। बोलिए कृष्ण, ब्राह्मणियों पर भी भगवान ने कृपा की, विप्र देवता यज्ञ कर रहे हैं, ग्वाल वालों को भूख लगी, भगवान ने प्रेरणा दी तो ग्वाल वाल पहुंच गए विप्र देवताओं के पास, कृष्ण बलराम दोनों भाई आए गाय चराते हुए, भूख लगी है ना कुछ दो, ब्राह्मण देवता है विद्वानों का कैसा मजाक उड़ाया, ज्ञानी किसी ने अपने आप को ज्ञानी मान रहे लेकिन ज्ञान का लेश तक अंतर में नहीं, बेचारे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, भूल गए कि गोविंद साक्षात और वो हमसे भोजन मांग रहे, उनकी प्रसन्नता से बड़ा यज्ञ, उनकी प्रसन्नता से बड़ा स्वर्ग, उनकी प्रसन्नता से बड़ा और क्या हो सकता है। मैं चल रहा है कुछ सुना और कुछ नहीं सुना, अभी तो ये भी चल रहा है भोजन देंगे तो विक्र आ जाएगा, भगवान बाल निराश होकर लौट गए, अरे विक्र देवताओं ने कुछ ध्यान ही नहीं किया, भगवान ने कहा जैन ध्यान दे दो, ब्राह्मणियों के पास जा और ब्राह्मणियों के पास जब ग्वाल बाल आए और ब्राह्मणियों ने सुना अरे कन्हैया हमसे भोजन मांग रहे हैं, चतुर्विधम बहुगुणम अन्नमादाय भाजन अभिशस्नु प्रियम सर्व समुद्र मिवने नगा, देखो भोजन चार प्रकार का होता है भक्ष भोज्य चोष और लिंग, अरे ब्राह्मणियों ने क्या बढ़िया बढ़िया भोजन चारों प्रकार का नाना प्रकार के मिष्ठान हाल में रखे, देने से क्या फायदा है, चल करके कन्हैया का दर्शन ही करेंगे, दौड़ बड़ी कम गई ब्राह्मणों ने रोकना, अच्छा अरे रुक जाओ यज्ञ प्रारंभ होने वाला है, ब्राह्मणों ने कहा यज्ञ पूरा हो जाए तो भी ठीक है अधूरा रह जाए तो भी ठीक है, हम तो गोविंद को जिमाएंगे गोविंद का दर्शन करेंगे, उस यज्ञ से बड़ा यज्ञ हमारे लिए ब्राह्मणियों पर ठाकुर जी ने प्रसाद पाया, अब ब्राह्मणिया भगवान का दर्शन करके जब लौटी ना तभी देवताओं का ज्ञान जाता, हम वेदांती हम जो है धर्मशास्त्रों के ज्ञाता हमारे ज्ञान को धिक्कार है, हमारे यज्ञ को धिक्कार है, ऐसे ऊंचे कुल में हमने जन्म लिया और भगवान पर ही हमने ध्यान नहीं दिया, हमारे जन्म को धिक्कार है जो मांगने पर भी हम ठाकुर जी को भोग नहीं लगा पाए, अरे हमसे अच्छी तो ये देवी नासाम दुजाति संस्कार, ना तो इन बेचारियों का कोई ब्राह्मणोचित संस्कार हुआ, न इनने कभी तपस्या की, न कभी इन्होंने धर्म शास्त्रों की मीमांसा की, न ये आत्म तत्व अनात्म तत्व को जानती है, लेकिन कितनी धन्य है कितनी भाग्यशाली है जो भगवान का दर्शन किया और ठाकुर जी को प्रसाद जिमाया, और कुछ ब्राह्मणों के मन में भाव चला जगह चलो अपन दर्शन ही कराए, लेकिन बड़े बड़ों ने रोक दिया नहीं भूल हो गई तो भूल ही पश्चाताप, ठाकुर जी मथुरा आएंगे ना तब दर्शन करेंगे, देखो